गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पर स्वस्थ हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। आज का जो लेक्चर है वो करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। तो चलो, आज मैं तुम लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल का एक सेशन लेके आया हूँ। जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसी चैप्टर का हम एक न्यूमेरिकल का एक सेशन में आज लेके आया हूँ। तो चलो आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन लिखो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड, स्टील एंड कॉपर रॉड, स्टील एंड कॉपर रॉड, सो दैट द लेंथ ऑफ, सो दैट द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, सो दैट द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर, इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर रॉड एट ऑल टेम्परेचर, कॉपर रॉड एट ऑल टेम्परेचर क्वेश्चन पे दिया गया है अल्फा, यानी कोफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन अल्फा स्टील का वैल्यू दे दिया गया है। ये क्वेश्चन पे दे दिया गया है, गिवन पे अल्फा स्टील इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10^-10, 1.1 इंटू 10^-5, सॉरी 5, माइनस 10 नहीं, माइनस 5, 10^-5 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड अल्फा फॉर कॉपर एंड अल्फा कॉपर इज इक्वल्स टू, अल्फा कॉपर का वैल्यू दे दिया गया है 1.7 × 10^-5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिनट स्क्रीन को पॉज करो और यह क्वेश्चन उतार लो। चलो इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमको ये सारे डाटा दे दिया गया है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड, स्टील का और कॉपर रॉड का लेंथ हमको निकालने के लिए बोल दिया गया है, लेंथ ऑफ द स्टील एंड कॉपर रॉड, सो दैट द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर रॉड, सो दैट द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, ताकि ऐसा हो, कैसा लेंथ हो, ताकि ऐसा हो कि स्टील रॉड का जो लेंथ हो वो कॉपर रॉड के लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो, ठीक है। और अल्फा स्टील और अल्फा कॉपर हमको दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो हम पकड़ लेते LS, पकड़ लेते लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, LS पकड़ लेते लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, ठीक है, और LCU पकड़ लेते हम लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड, ठीक है। अल्फा स्टील और अल्फा कॉपर तो हमको दे दिया गया है। अच्छा, तो अभी बोल दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो दैट द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर
देन द कॉपर रॉड. कॉपर रॉड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो, ठीक है. कॉपर रॉड का जितना वैल्यू है उसके वैल्यू से 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो, यानी हम अगर ऐसा भी लिखे कि LS प्लस 5 इज इक्वल टू LCU और LCU माइनस LS इज इक्वल टू 5, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, तो अभी हमको LS निकालना होगा, LCU निकालना होगा. अच्छा, तो अभी देखो, हमने एक रिलेशनशिप किया था अल्फा का वैल्यू क्या था, LT इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू, ठीक है. यहां से हमने निकाला था LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 इंटू T इज इक्वल टू अल्फा. ये था हमारा डेफिनेशन, ठीक है. ये था हमारा अल्फा का डेफिनेशन. अगर इस पे हम अल्फा अगर यहां पे अगर हम सेम रखें, ठीक है, तो अगर इस पे हम यही फॉर्मूला अगर हम LS स्टील और कॉपर के लिए अगर यही फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो कैसा रहेगा. फॉर स्टील रॉड यही फॉर्मूला हम फॉर स्टील रॉड और कॉपर रॉड के लिए हम यूज कर रहे हैं. फॉर स्टील LS माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 इंटू T इज इक्वल्स टू अल्फा स्टील. इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. और फॉर कॉपर ये हिंट से, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हिंट से. और फॉर कॉपर ये हमारा सॉल्यूशन है, LCU माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 इंटू T इज इक्वल्स टू अल्फा CU, ठीक है. अच्छा, तो L0 तो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, L0 तो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है. अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें 1/2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो अल्फा स्टील डिवाइडेड बाय अल्फा कॉपर इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा L0T हमारा कैंसिल चला जाएगा, तो हो जाएगा LS माइनस L0 डिवाइडेड बाय LCU माइनस L0, ठीक है. तो L0 0 डिग्री सेंटीग्रेड, L0 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो LS माइनस 0 LCU माइनस 0 अप्रोक्सीमेटली हमारा LS ही रहेगा. तो अल्टीमेटली हमारा हो जाएगा अल्फा स्टील डिवाइडेड बाय अल्फा कॉपर इज इक्वल्स टू LS डिवाइडेड बाय LCU, ठीक है. अच्छा, अभी हमने एक रिलेशनशिप थोड़ी देर पहले निकाला था कि ताकि ऐसा हो हमारा कि LS माइनस LCU इज इक्वल टू 5 हो. ये हमने देखा था LS माइनस LCU अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LS माइनस LCU इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो इधर से LS का वैल्यू क्या होगा, या फिर LS का वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस LCU, ठीक है. तो यहां पर हम LS का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पे इस नंबर इक्वेशन पे हम LS का वैल्यू पुट कर देते हैं. तो अल्फा स्टील का वैल्यू क्या था, अल्फा स्टील का वैल्यू था हमारा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और कॉपर का वैल्यू था 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू LS का वैल्यू हम पुट करते हैं 5 प्लस LCU, नीचे हमारा LCU, ठीक है. तो 10 टू द पावर माइनस 5 कैंसिल, 5 प्लस LCU इंटू 1.7 इज इक्वल टू 1.1 L कॉपर, ठीक है. ओके, तो इधर से हमारा हो गया 1.7 इंटू 5 8.5 5 7 जार 35 5 कैरी 5 5 1 जार 5 प्लस
8.5 + 1.7 LCU is equals to 1.1 LCU. ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है वैल्यू, लेंथ तो नेगेटिव नहीं होगा, इधर से आ गया, इधर से हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पकड़ के चलो, मॉड दे दो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड दे दो। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, देखो 1.7 1.1 से ज्यादा है, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, तो हमने मॉडुलस दे दिया, तो अब मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इधर से हो गया 1.1, मॉड ऑफ 1.1 -1.7 LCU, और इधर से हो गया हमारा 8.5, तो 1.1 -1.7 हो जाएगा हमारा 0.6 LCU इज इक्वल्स टू 8.5। इधर से हमारा LCU का वैल्यू निकल गया 8.5 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, अभी LCU का वैल्यू हम यहां पर बिठाकर LS का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, एकदम इजी था प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, ओके लिखो, हाउ मच स्टीम एट हाउ मच स्टीम एट 120 degree centigrade is needed to heat is needed to heat 800 gram of aluminium. 800 gram of aluminium is needed to heat 800 gram of aluminium from 20 degree centigrade. From 20 degree centigrade to 70 degree centigrade. क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन पे हमको दे दिया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.21 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा इक्वेशन है। एक मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चन अपने कॉपी पे उतार लो। ओके, तो बोला गया है हाउ मच स्टीम एट 120 degree centigrade is needed to heat 800 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 20 degree centigrade टू 70 degree centigrade। कितना स्टीम हमको जरूरत होगा, कितना स्टीम हमको चाहिए ताकि 800 ग्राम एल्यूमिनियम को 20 degree centigrade से 70 degree centigrade तक हम लेके जा सकते। ठीक है, एक तो स्टीम है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऑलरेडी हमारा स्टीम है, और कितना स्टीम हमको चाहिए। ठीक है, और कितना स्टीम हमको चाहिए ताकि 800 ग्राम एल्यूमिनियम को हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेके जा सकते। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम हमको दे दिया गया। अभी देखो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। स्टीम का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम, कितना 120 डिग्री
सेंट्रीगेट, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हमारा 0.21 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, तो कितना स्टीम हमको चाहिए, तो हम तो नहीं जानते कितना स्टीम हमको चाहिए, तो हम पकड़ के चलते हैं, लेट एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, ठीक है, मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड। तो देखो, अगर 800 ग्राम एल्यूमिनियम को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लेके जाना है, तो हीट लॉस करेगा कौन, हीट लॉस करेगा कौन और हीट गेन करेगा कौन? अगर 20 डिग्री से 70 डिग्री लेके जा सके तो एल्यूमिनियम का ही हीट गेन होगा, ठीक है। यहां पर तो 20 डिग्री ऑलरेडी एल्यूमिनियम तो है ही, ये अगर 70 डिग्री पे जाए तो हीट गेन, हीट चाहिए किसको है, हीट चाहिए एल्यूमिनियम को, तो हीट गेन करेगा हमारा एल्यूमिनियम, तो हीट लॉस कौन करेगा, ये स्टीम। समझ में आया, यानी हीट लॉस करेगा ये स्टीम, यानी 120 डिग्री से ये घट जाएगा, 120 डिग्री टेम्परेचर से ये घट जाएगा, और हीट गेन कौन करेगा, 800 ग्राम एल्यूमिनियम। समझ में आया, तो हीट लॉस बाय स्टीम, ठीक है, हीट लॉस बाय स्टीम, हीट लॉस बाय स्टीम कितना लॉस करेगा, मास तो हम नहीं जानते, मास तो हम निकालना है, कितना मास लगेगा, तो मास को हमें निकालना है, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर हम जानते हैं, स्टीम का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री से कितना तक आएगा, 120 डिग्री से 100 डिग्री तक आ गया स्टीम, तो स्टीम यानी वाटर, तो 120 डिग्री से घटके, 120 डिग्री से घटके कितना तक आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, तभी यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 120 से 20 घट गया, 20 पे ऑलरेडी एल्यूमिनियम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, देखो ये स्टीम और ये पकड़ लो हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टीम हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और स्टीम ऑलरेडी 20 डिग्री से 20 डिग्री पर है, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस का टेम्परेचर, ये तो हमारा 20 डिग्री पे ऑलरेडी है, तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया, ये स्टीम है ऑलरेडी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये एल्यूमिनियम है जो कि ऑलरेडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये जो हमारे इंटरफेस है, इस इंटरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी 100 डिग्री। समझ में आया, तो स्टीम का हीट डिफरेंस कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 120 माइनस 100, तभी जाकर जो एल्यूमिनियम है वो 20 डिग्री पे सेट होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये हमको दिया नहीं गया है, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो मान के चलना ये 1 ही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू 1। एक्चुअली हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस डेल्टा टी, एम एस डेल टी, और एम हमारा मास है, एस हमारा स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज करें, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा हीट लॉस बाय स्टीम, अभी हीट गेन कौन करेगा, अभी हीट तो गेन हमारा एल्यूमिनियम करेगा, अभी हीट गेन तो हमारा अभी हीट गेन हमारा वो करेगा एल्यूमिनियम करेगा, ठीक है। तो हीट गेन बाय एल्यूमिनियम, हीट गेन बाय एल्यूमिनियम, ठीक है। मास कितना है हमारा दे दिया गया है, 800 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर रहने दीजिए कोई बात नहीं, या फिर कैलोरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सीजीएस यूनिट पे है, तो इसको भी हम सीजीएस यूनिट पे रख देते, तो मास हो गया हमारा 800,
ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अभी कितना होगा? इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना? 20 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना? 70 डिग्री। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा हमारा 70 माइनस 20, 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम बोल दिया गया है 0.21। ठीक है, समझ में आया? इतना हीट लॉस कर दिया स्टीम ने और इतना हीट गेन किया एल्यूमिनियम ने। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमको क्या बोलता है? हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। चलो यही फॉर्मूला पे बिठा दे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है, हीट लॉस हमारा कितना? एम इंटू 20 इंटू 1। और हीट गेन हमारा कितना? 800 इंटू 50 इंटू 0.21। यहां से हमको एम का वैल्यू निकालना है। तो 20 से हमने 800 कैंसिल कर दिया, 40 हो गया। तो एम का वैल्यू हमारा हो गया 50 इंटू 40 हो गया हमारा 2000। 50 इंटू 40 हो गया 2000 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय एम इंटू 1 एम हो गया 50। हाँ, 50 इंटू 40 और कुछ नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये हम कैलकुलेशन करें तो कितना आता है? 2000 इंटू 21 बाई 100। ठीक है, 0000 हम कैंसिल, तो 20 इंटू 21 हो गया। ठीक है, तो कितना आता है हमारा? 20 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो, 2 × 2, 2 × 4, 420 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो आंसर। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो, उतार लिया? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक मेटल इफ अ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक मेटल चेंजेस बाय चेंजेस बाय 0.12% 0.12% व्हेन हीटेड थ्रू when heated to 20 degree Celsius, comma, what is the coefficient of linear expansion
what is the coefficient of linear expansion of the metal? एक मिनट स्क्रीन को पॉज करो, ये क्वेश्चन उतार लो। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक मेटल चेंजेस बाय 0.12%, ठीक है, तो इंक्रीज वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज वॉल्यूम यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी होगा ओरिजिनल वॉल्यूम का, 0.12%। समझ में आया ना? चेंज हुआ है 0.12%, चेंज हुआ है 0.12%। किसका, किससे चेंज होता है? ओरिजिनल से ही तो चेंज होता है हमारा। तो चेंज इन वॉल्यूम होगा ओरिजिनल वॉल्यूम का 0.12%। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हम बी पकड़ लेते हैं, 0.12 हो गया, 0.12% यानी 0.12/100 इंटू बी, ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर बोल दिया गया है हमको 20°C, तो गामा का डेफिनेशन हमारा क्या था? गामा का डेफिनेशन था चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V0 इंटू T, यही था हमारा टेम्परेचर, यही था हमारा गामा का। ये गामा क्या है? कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम VT माइनस V0 डिवाइडेड बाय V0 इंटू T, यही था ना हमारा डेफिनेशन। तो डेल्टा V का, हम वैल्यू बिठा देते, यहाँ पे V0 हमारा V ही रहेगा, V0 का वैल्यू हमारा V ही रहेगा। तो डेल्टा V का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.12/100 × B, और V0 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली